हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है और इससे पीड़ित मरीजों को नियंत्रित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में बार बार डॉक्टर के पास जाना इससे बेहतर है कि आप खुद ब्लड प्रेशर मशीन खरीद लें और जांच भी खुद ही करें। लेकिन इसकी गलत रीडिंग की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इसी रीडिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं कि सही रीडिंग क्या होने चाहिए एवं बीपी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। तीस वर्ष के बाद प्रत्येक व्यक्ति को रेगुलर बीपी चेक करवाना चाहिए। वैसे तो बीपी को दो श्रेणियों में नापा गया है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। वैसे नॉर्मल बीपी ऊपर वाला 120 होना चाहिए जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाला 80 होना चाहिए जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बीपी भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। बीपी ज्यादा बढ़ता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। चलिए जान लेते हैं बीपी चेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सुबह उठते ही खाली पेट बिना कोई दवाई खाए मूत्र त्याग करने के बाद ही बीपी चेक करें, क्योंकि ब्लैडर के भरे रहने की वजह से भी कभी कभी बीपी बढ़ा हुआ आता है। और इसके अलावा शाम के समय भी मूत्र त्याग करने के बाद ही बीपी चेक करें, क्योंकि सही रीडिंग पाने के लिए बहुत जरूरी होता है कफ या पट्टे को अपनी बांह पर सही तरीके से लपेटें। ब्लड प्रेशर नापते समय बातचीत बिल्कुल भी ना करें। ब्लड प्रेशर चेक करने से आधा घंटे पहले तक एल्कोहल, कैफीन या तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करते समय आधा बांह की शर्ट पहनना सुविधाजनक होता है। बीपी चेक करते समय बैठने की स्थिति में रहें, जिससे आपकी बांह, हृदय और बीपी मशीन तीनों चीजों को एक ही लेवल में रहें। प्रतिदिन की रीडिंग को दिनांक एवं समय के साथ एक डायरी में नोट करके जरूर रखें, जिससे पता चलता रहे कि बीपी ज्यादा, कम या बढ़ तो नहीं रहा है। रीडिंग ज्यादा आने पर बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बल्कि थोड़ी देर आराम करके बीपी दोबारा देखें। ऐसा कहा जाता है कि इलाज से बेहतर उसकी रोकथाम होती है, इसीलिए आप सभी नियमित रूप से व्यायाम करें, खान पीन एवं जीवन शैली पर सुधार लाएं और बेहतर जिंदगी जिएं। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।